शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को चिड़ियाघर पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। बच्चों सब लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए जंगल में रहने वाले जानवरों के नामों पर गोला लगाइए। यानी जंगलों में रहने वाले जो जानवर है उनके नामों पर गोला लगाइए। तो यहाँ देखिए बच्चों, शेर कहाँ रहता है? जंगल में ही रहता है, तो इसके लिए एक गोला। हिरण कहाँ रहता है? जंगल में ही रहता है, तो उसके लिए भी गोला। कुत्ता तो घरों के पास है, पालतू जानवर है, उसके लिए गोला नहीं। गाय भी पालतू जानवर है। अब हाथी जंगल में रहता है, उसके लिए भी एक गोला। फिर भालू, भालू भी जंगल में रहता है। जिराफ भी जंगल में रहता है। बैल घरों के पास रहता है, ये पालतू जानवर है। अब दूसरे प्रश्न के अंतर्गत आएंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है, जानवरों और पक्षियों के उनकी आवाजों से जोड़िए। जानवर और पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनकी आवाजों से हमें जोड़ना चाहिए बच्चों। तो यहाँ देखिए, पहले कौवा है। कौवा क्या करता है? काव काव करता है, मालूम है आप लोगों को। घोड़ा है, घोड़ा हिन हिनाता है बच्चों। और तोता, तोता देखिए टाई टाई करता है। फिर शेर, शेर क्या करता है? दहाड़ता है। कबूतर, कबूतर तो गुटरगू करता रहता है कभी भी। अब मोर, मोर तो म्याओ म्याओ करता है। और कुत्ता भौ भौ कहता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये है जानवरों को और पक्षियों को उनकी आवाजों से जोड़ने की बात। तो ये रहे आज के असाइनमेंट के उत्तर बच्चों। धन्यवाद।